आप देख रहे हैं दखल न्यूज। चलो चलो भाई फटाफट, 15 मिनट में तिलहरी पहुंचना है। इतनी बुकिंग्स मिल जाती है? साहब बुकिंग तो बहुत हो जाती है, लेकिन सारा बेनिफिट बाहरी कंपनियां ले जाती हैं। सोच रहा हूँ कि आइडिया भाजपा को दूं कि ऑटो रिक्शा को कस्टमर से जोड़ने वाली ऐप गवर्नमेंट खुद बना दे, ताकि हमारा बेनिफिट हमारी जेब में रहे। रोको रोको, क्या हुआ साहब? ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, अभी के अभी भेजो भाजपा को समृद्ध एमपी के लिए। लेट हो रहा है ना, मैं बाद में कर दूंगा। भाई तुम्हारे इस आइडिया से प्रदेश के ऑटो वालों का फायदा होगा, इससे बड़ा काम क्या हो सकता है। बात तो आप सही कह रहे हैं साहब, शिवराज है तो हमें भरोसा है कि हमारा आइडिया सुना भी जाएगा और पूरा भी किया जाएगा। तो फिर समृद्ध एमपी बनाने में देरी क्यों करना, दो भाजपा को सुझाव का योगदान और फिर करो मतदान। मेरा सुझाव मेरा चुनाव, समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए भाजपा से अपने आइडिया शेयर करें। प्रिय बहनों और भाइयों, मेरी सरकार का लक्ष्य विकास। यार समृद्ध एमपी के लिए एक शानदार आइडिया है मेरे पास। अखबार छपने की डेडलाइन खत्म हो रही है और तुम लोग बैठकर बातें कर रहे हो। बातें नहीं सर, दरअसल मिलिंद अपना आइडिया शेयर कर रहा था समृद्ध एमपी के लिए। गुड, कोई इफेक्टिव आइडिया? हाँ सर, वही बता रहा था, आज का अखबार निकल जाए तो फिर कल शेयर करता हूँ भाजपा से अपना आइडिया। नहीं नहीं, पहले अपना आइडिया शेयर करो। अखबार के लिए तो रोज काम करते हो, आज प्रदेश के लिए काम करो। शिवराज हैं तो भरोसा कर सकते हैं कि हमारे आइडिया से पूरे प्रदेश को बेनिफिट मिलेगा। तो फिर प्रदेश को समृद्ध बनाने में इतनी देरी क्यों करना, दो भाजपा को सुझाव का योगदान और फिर करो मतदान। मेरा सुझाव मेरा चुनाव, समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए भाजपा से अपने आइडिया शेयर करें। इतनी जल्दी में कहाँ जा रहा है? फसल बेचनी है ना, सोच रहा हूँ टाइम से मंडी पहुंच जाऊं। इस बार प्याज बंपर हुए ना? पिछले साल प्याज के दाम आसमान छू गए थे ना, तो इस बार सबने प्याज ही प्याज बोले, तो भाव थोड़ी ना मिलेंगे। अगर बुआई से पहले सरकार ये बता दे कि कौन से इलाके में कौन कौन सी फसलें बोई जाने वाली हैं, तो किसानों को कितना फायदा होगा। भाजपा को समृद्ध एमपी के लिए यही आइडिया देने वाला हूँ मैं। आइडिया अच्छा है तेरा, अभी बेच। तेरे आइडिया से यदि किसान भाइयों का जीवन समृद्ध बनता है तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। और शिवराज है तो इस बात का विश्वास भी है कि हमारा आइडिया न सिर्फ सुना जाएगा बल्कि उस पर अमल भी किया जाएगा। तो प्रदेश को समृद्ध बनाने में देरी क्यों, दो भाजपा को सुझाव का योगदान और फिर करो मतदान। मेरा सुझाव मेरा चुनाव, समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए भाजपा से अपने आइडिया शेयर करें। क्या बात है, आज हाथ बड़ी तेजी से चल रहे तेरे। आज छोटू को टीका लगाने जाना है और सोच रही हूँ पानी साफ करने का फिल्टर भी ले आए। साफ पानी तो सबको चाहिए। वैसे सुन, कितना अच्छा होता ना अगर सरकार सब्सिडी वाले फिल्टर गांव-गांव बंटवा देती। आइडिया तो बढ़िया है तेरा, चल अभी भाजपा को सुझाव भेजते हैं। अरे तू जा अभी टीका लगवाने, सुझाव तो कल भी दे देंगे। कल नहीं, अभी भेजेंगे हाथों हाथ। समृद्ध एमपी में अपने सुझाव से हर गांव हर परिवार का अगर फायदा होता है तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और शिवराज भैया हैं तो ये विश्वास है कि हमारे सुझाव से सबको फायदा होगा। तो फिर प्रदेश को समृद्ध बनाने में देरी क्यों करना, तो भाजपा को सुझाव का योगदान और फिर करो मतदान। मेरा सुझाव मेरा चुनाव, समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए भाजपा से अपने आइडिया शेयर करें। सर, ये प्लान बनाया है, अगर इस टाउनशिप को हम जंक्शनलेस करते हैं तो ट्रैफिक काफी कम होगा, यानी बिना ट्रैफिक सिग्नल वाली टाउनशिप। गुड प्लान सर। आई वाज जस्ट थिंकिंग, अगर ये प्लान एमपी के शहरों में लागू हो जाए तो प्रदेश का कितना फायदा है। लो, भेजो समृद्ध एमपी के लिए। सर, प्रेजेंटेशन के बाद भेजते हो ना भाजपा को प्लान? सभी प्रेजेंटेशन तो होते रहेंगे, लेकिन अपने प्रदेश के लिए काम करने का मौका कब मिलता है। सर आप सही कह रहे हैं, और शिवराज है तो हमारे प्लान को काफी रिस्पेक्ट भी मिलेगी। तो फिर प्रदेश को समृद्ध बनाने में देरी क्यों करना, दो भाजपा को सुझाव का योगदान और फिर करो मतदान। मेरा सुझाव मेरा चुनाव, समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए भाजपा से अपने आइडिया शेयर करें। गुस्सा आता है मुझे जब मुझे मेरी फसल का पूरा दाम नहीं मिल पाता है। गुस्सा आता है जब मंडी पर बैठा हो बिचौलिया
मेरे पैसे खा जाता है, गुस्सा आता है जब कर्ज के बोझ में दबा एक किसान मौत को गले लगाता है, गुस्सा आता है जब मुआवजे के लिए मुझे हाथ फैलाना पड़ जाता है, गुस्सा आता है जब मेरे किसान भाइयों पर कोई गोली चलवाता है। मैं भी मध्य प्रदेश का किसान हूं और अब मुझे भी इस भाजपा सरकार पर गुस्सा आता है। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। गुस्सा आता है जब मासूम बच्चों को हैवानियत से नोचा जाता है। गुस्सा आता है जब आए दिन अखबारों में लुटती आबरू का जिक्र आता है। गुस्सा आता है जब मध्य प्रदेश का नाम महिला अत्याचार में सबसे ऊपर आता है। मैं मध्य प्रदेश की नारी हूं और अब मुझे भी इस भाजपा सरकार पर गुस्सा आता है। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। गुस्सा आता है जब इस महंगी डिग्री के बावजूद मुझे नौकरी के लिए दर दर भटकना पड़ता है। अरे गुस्सा आता है जब स्टार्टअप कॉन्क्लेव, स्वरोजगार योजना और इन्वेस्टर समिट में रोजगार का झूठा वादा किया जाता है। आज भी याद है मुझे, हाथ जोड़कर कर्ज लिया था पापा ने, सोचा था नौकरी करके उनका बोझ हल्का कर दूंगा, पर आज खुद ही बोझ बन गया हूँ। मैं मध्य प्रदेश का युवा हूँ और रोजगार के झूठे वादे करने वाली इस भाजपा सरकार पर अब मुझे गुस्सा आता है। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। जापान गए मोदी की मन की बात, कहा रन फॉर यूनिटी में शामिल हूं। बीजेपी नेता मदन लाल खुराना का निधन, रह चुके हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री। बीजेपी का कार्यक्रम नव मतदाता टाउन हॉल, शिवराज ने कहा युवा देश की शक्ति। कांग्रेस के बीजेपी सरकार पर आरोप, किसान कर रहे हैं आत्महत्या। और एट्रोसिटी एक्ट के खिलाफ सापाक्स का धरना, एक्ट वापस लेने की मांग। नमस्कार, मैं हूं शेफाली, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय यात्रा पर जापान पहुंच चुके हैं। यहां वह जापान के पीएम शिंजो आबे से मुलाकात कर चीन पर रणनीतिक चर्चा करेंगे, मगर इसके साथ ही उन्होंने आज 49वां बार रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए देश को संबोधित किया। मन की बात के इस संस्करण में प्रधानमंत्री मोदी ने सरदार पटेल की प्रतिमा और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का जिक्र भी किया। पीएम मोदी ने इस दौरान लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को नमन किया। उन्होंने देशवासियों से 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर रन फॉर यूनिटी में शामिल होने की अपील की। आपको बता दें कि यह स्टैच्यू अमेरिका की स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से दोगुनी है। उन्होंने कहा कि इससे हर देशवासियों को गर्व का अनुभव होगा। इसके साथ ही मोदी ने कहा कि 27 जनवरी 1974 को विश्व की प्रसिद्ध टाइम मैगजीन ने जो संस्करण प्रकाशित किया था उसके कवर पेज पर सरदार पटेल का फोटो लगाया था। अपनी लीड स्टोरी में उन्होंने भारत का एक नक्शा दिया था और ये नक्शा वैसा नहीं था जैसा हम आज देखते हैं। सरदार पटेल का फोटो लगा था, अपनी लीड स्टोरी में उन्होंने भारत का एक नक्शा दिया था और ये वैसा नक्शा नहीं था जैसा हम आज देखते हैं। एक ऐसे भारत का नक्शा था जो कई भागों में बटा हुआ था। तब
550 से ज्यादा देसी रियासतें थी। भारत को लेकर अंग्रेजों की रुचि खत्म हो चुकी थी, लेकिन वो इस देश को छिन्न भिन्न करके छोड़ना चाहते थे। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मदनलाल खुराना का रात में निधन हो गया। मदनलाल खुराना के बेटे हरीश खुराना ने ट्वीट के जरिए ये जानकारी दी है। वह लंबे समय से बीमार चल रहे थे और दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। खुराना को वर्ष 2011 में ब्रेन हेमरेज हुआ था। इसके बाद से ही उनकी सेहत खराब चल रही थी। दिल्ली सरकार ने खुराना के निधन पर 2 दिन की शोक की घोषणा की है। बताया जा रहा है कि 42 वर्षीय मदन लाल खुराना ने रात करीब 11 बजे अंतिम सांस ली। खुराना के परिवार में उनकी पत्नी, एक बेटा और 2 बेटियां हैं। उनके एक अन्य बेटे का पिछले महीने ही निधन हुआ था। अपने चुनाव अभियान के तहत बीजेपी ने नव मतदाता टाउन हॉल का आयोजन किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने अपनी योजनाओं की जानकारी दी और कहा, युवा देश की शक्ति है। शिवराज के निशाने पर पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार रही। भोपाल स्थित रविंद्र भवन में बीजेपी ने समृद्ध मध्य प्रदेश की तर्ज पर नव मतदाता टाउन हॉल का आयोजन किया। आयोजन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नवयुवा मतदाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि युवा देश की शक्ति हैं। आयोजन में विभिन्न कॉलेज स्कूल के बच्चे और बीजेपी के कार्यकर्ता शामिल हुए। शिवराज सिंह ने मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार में हुए कार्यों के बारे में नवयुवा मतदाताओं की जानकारी दी। शिवराज ने दिग्विजय सिंह सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस ने मध्य प्रदेश का बंटा धार कर दिया है। मुख्यमंत्री बनकर हमने देखा कि कांग्रेस को सत्यानाश कर ली मध्य प्रदेश की, जिनकी जो पैदा हुए हैं 2003 के पहले मामा के राज में जो पैदा हुए, मैं उनकी बात नहीं करता, लेकिन मेरे बेटा बेटियों जैसा मध्य प्रदेश हमें मिला, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मिला, उमर के नेतृत्व में सरकार बनी, बाद में दो साल गए और बाद में मुझे जिम्मेदारी मिली। कैसा मध्य प्रदेश मेरा पता है? मध्य प्रदेश में सड़कों का अभाव नहीं था, गड्ढों में सड़क की सड़क में गड्ढा की गड्ढों में गड्ढा, कहीं पता नहीं चलता था। मेरे बेटा बेटी हो अगर भोपाल से सागर जाना हो तो रोड से थोड़ी जाते, लोगों को बंद नहीं करते, ट्रेन से बैठो बिना जाओ, ट्रेन में तो बिना से सागर जाओ, भोपाल से इंदौर जाना मुश्किल, इंदौर से नीमच जाना मुश्किल। हालत ये होती थी गाड़ी में बैठते कर दिखी राजा की मंडा घर की सड़कों पर निकल जाओ। कार्यक्रम में शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश बीमारू राज्य की गिनती में आता था। बीजेपी की सरकार ने मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य की गिनती से ऊपर उठाया। शिवराज ने कहा कि जो भी कार्य बीजेपी के समय में हुए सब जनता के सुझाव पर हुए, बीजेपी जनता के सुझाव पर ही कार्य करती है। नव युवा मतदाताओं से भी शिवराज ने अपील की कि वो अपने सुझाव बीजेपी को दें और समृद्ध मध्य प्रदेश का हिस्सा बने। आयोजन में मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह सहित और कई नेता भी मौजूद रहे। हरा से पिछले चुनाव में जिन्होंने वोट डाला, उसके बाद अनेक मतदाता पहली बार मतदाता सूची में जुड़े हैं और मतदान करेंगे। प्रजातंत्र का ये पावन पर्व है और ऐसे मतदाताओं का अपना महत्व है, ऐसे भी युवाओं की अपनी सोच होती है और इसलिए नए मतदाता से इंटरेक्शन ये भारतीय जनता पार्टी हमेशा करती रही है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि प्रत्येक वर्ग की राय, सलाह, उनका सोच और उसको ध्यान में रखकर ही भारतीय जनता पार्टी योजना बनाती है। देखिए, युवा टाउन हॉल का कार्यक्रम है, मध्य प्रदेश की जो कल्पना है उस कल्पना के बारे में सरकार सबके सुझाव ले रही है, सबके राय ले रही है। 2003 में जो हमको मध्य प्रदेश मिला था वो 2003 से 2008 की जो मध्य प्रदेश ने यात्रा की वो 2008 से 2013 तक की जो मध्य प्रदेश ने यात्रा की वो और 2013 से 2018 के बीच में जो मध्य प्रदेश है वो, और कल का जो मध्य प्रदेश होगा वो कैसा मध्य प्रदेश होगा, तो वो समृद्ध मध्य प्रदेश बनाने में सबका सुझाव चाहिए। सबके सुझाव के साथ जब आएंगे तो सरकार उस पर अमल करेगी और जब हम उन सुझावों पर अमल करेंगे तो हर नागरिक को ये फक्र रहेगा, नौजवान को ये फक्र रहेगा, किसान को ये फक्र रहेगा, मजदूर को ये फक्र रहेगा, माता बहनों को ये फक्र रहेगा कि ये जो सरकार चल रही है ये सरकार मेरे सुझावों से चल रही है और मेरे लिए काम कर रही है। आज भारतीय जनता युवा मोर्चे के द्वारा नव मतदाता युवा टाउन हॉल का कार्यक्रम है।
जो भी ऐसे नौ मतदाता हैं उसको लेकर मध्य प्रदेश की 230 विधानसभाओं में आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी संबोधित करके सभी युवाओं को इस नव मतदाता टाउन हॉल में संबोधित करने वाले हैं। आज नव मतदाता का जो कार्यक्रम था जिसको समृद्ध मध्य प्रदेश से भी जोड़ा गया, माननीय शिवराज सिंह चौहान अकेले ने लगभग एक से डेढ़ घंटे तक भाषण दिया, पब्लिक धूप में थी लेकिन उसके बाद भी जोश था क्योंकि आमतौर पर देखा गया है कि जो पुरानी सरकार थी उसने न सड़कें बनाई थी, न शिक्षा का कुछ प्रबंध था, न रोजगार का प्रबंध था, लेकिन आजकल जब से 13 साल पहले से जब से माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बने हैं तब से मुझे ऐसा लग रहा है कि वाकई में समृद्ध मध्य प्रदेश बनता जा रहा है। और बनने के बाद भी जब नई सरकार आने वाली है तो खुद मुख्यमंत्री जी ने एक मिस्ड कॉल का नंबर भी दिया है, एक वेबसाइट भी दी है जहाँ पर जाके लोग अपने सुझाव दे सकते हैं। हो सकता है लाखों करोड़ों लोग सुझाव देंगे लेकिन उनमें से कुछ लोगों के ही सुझाव माने जाएंगे और आगे बढ़ोतरी होगी। आज युवा मोर्चा नव मतदाता सम्मेलन जो कि मध्य प्रदेश में 230 विधानसभाओं में चल रहा है उसी के तहत आज भोपाल रविंद्र भवन में युवा मतदाता सम्मेलन आयोजित किया गया है जिसमें 18 से लेके 25 तक के जो युवा हैं जो पहली बार मतदान करेंगे उनको आज माननीय मुख्यमंत्री जी संबोधित करेंगे। उसी के तहत हम सभी युवा मतदाता माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनने के लिए इकट्ठे हुए। इस वक्त हम मौजूद हैं रविंद्र भवन भोपाल में जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आने वाले हैं, वो नव युवा मतदाता को संबोधित करके हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि कार्यकर्ताओं और युवक जो नव मतदाता हैं उनकी काफ़ी संख्या में भीड़ है, लोग इकट्ठा हो रहे हैं, बच्चे जिनको संबोधन करेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कैसे वोट किया जाए, क्या वोट का महत्व है, चुनाव में कैसे कैसे वोट किया जाता है और वोटिंग से जो सरकार बनती है उनके चुने हुए प्रतिनिधि जाते हैं उसका महत्व होता है ये बताएंगे। यहाँ देख सकते हैं आपकी काफ़ी संख्या में स्टूडेंट्स और कार्यकर्ता इकट्ठा हैं जो कि शिवराज सिंह चौहान जी के संबोधन को सुनने के लिए आए हैं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि पोस्टर्स भी लगे हुए हैं, समृद्ध मध्य प्रदेश के पोस्टर्स लगे हुए हैं जहां युवा मतदाताओं को अट्रैक्ट करने के लिए उनके जो विचार हैं उनको ग्रहण किया जाता है, आइडियाज़ लिए जाते हैं, आइडियाज़ को कन्वर्ट किया जाता है, उनके विचारों को कन्वर्ट किया जाता है, लिया जाता है और बताया जाता है कि कैसे समृद्ध मध्य प्रदेश बनेगा। देखते हैं ये चुनावी पैतरा भी हो सकता है लेकिन ये एक अच्छी पहल है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से। कैमरामैन तरुण यादव के साथ सत्यम शर्मा, दखल न्यूज भोपाल। समय एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। चलो चलो भाई फटाफट, 15 मिनट में तिलहरी पहुंचना है। कितनी बुकिंग्स मिल जाती है? साहब बुकिंग तो बहुत हो जाती है लेकिन सारा बेनिफिट बाहरी कंपनियां ले जाती हैं। सोच रहा हूँ कि आइडिया भाजपा को दूं कि ऑटो रिक्शा को कस्टमर से जोड़ने वाली ऐप गवर्नमेंट खुद बना दे ताकि हमारा बेनिफिट हमारी जेब में रहे। रोको रोको, क्या हुआ साहब? ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, अब भी भेजो भाजपा को समृद्ध एमपी के लिए। लेट हो रहा है ना, मैं बाद में कर दूंगा। भाई तुम्हारे इस आइडिया से प्रदेश के ऑटो वालों का फायदा होगा, इससे बड़ा काम क्या हो सकता है। बात तो आप सही कह रहे हैं साहब, शिवराज है तो हमें भरोसा है कि हमारा आइडिया सुना भी जाएगा और पूरा भी किया जाएगा। तो फिर समृद्ध एमपी बनाने में देरी क्यों करना, दो भाजपा को सुझाव का योगदान और फिर करो मतदान। मेरा सुझाव मेरा चुनाव, समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए भाजपा से अपने आइडिया शेयर करें। प्रिय बहनों और भाइयों, मेरी सरकार का लक्ष्य विकास। यार समृद्ध एमपी के लिए एक शानदार आइडिया है मेरे पास। अखबार छपने की डेडलाइन खत्म हो रही है और तुम लोग बैठकर बातें कर रहे हो। बातें नहीं सर, दरअसल मिलिंद अपना आइडिया शेयर कर रहा था समृद्ध एमपी के लिए। गुड, कोई इफेक्टिव आइडिया? हाँ सर, वही बता रहा था, आज का अखबार निकल जाए तो फिर कल शेयर करता हूँ भाजपा से अपना आइडिया। नहीं नहीं, पहले अपना आइडिया शेयर करो। अखबार के लिए तो रोज काम करते हो, आज प्रदेश के लिए काम करो। शिवराज हैं तो भरोसा कर सकते हैं कि हमारे आइडिया से पूरे प्रदेश को बेनिफिट मिलेगा। तो फिर प्रदेश को समृद्ध बनाने में इतनी देरी क्यों करना, दो भाजपा को सुझाव का योगदान और फिर करो मतदान। मेरा सुझाव मेरा चुनाव, समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए भाजपा से अपने आइडिया शेयर करें। इतनी जल्दी में कहां जा रहा है? फसल बेचनी है ना,
सोच रहा हूँ टाइम से मंडी पहुंच जाऊं। इस बार प्याज बम्पर हुए ना? पिछले साल प्याज के दाम आसमान छू गए थे ना, तो इस बार सबने प्याज ही प्याज बोले, तो भाव थोड़ी ना मिलेंगे। अगर बुआई से पहले सरकार ये बता दे कि कौन से इलाके में कौन कौन सी फसलें बोई जाने वाली हैं, तो किसानों को कितना फायदा होगा। भाजपा को समृद्ध एमपी के लिए यही आइडिया देने वाला हूं मैं। आइडिया अच्छा है तेरा, अभी भेज। तेरे आइडिया से यदि किसान भाइयों का जीवन समृद्ध बनता है तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। और शिवराज है तो इस बात का विश्वास भी है कि हमारा आइडिया न सिर्फ सुना जाएगा बल्कि उस पर अमल भी किया जाएगा। तो प्रदेश को समृद्ध बनाने में देरी क्यों? दो भाजपा को सुझाव का योगदान और फिर करो मतदान। मेरा सुझाव मेरा चुनाव, समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए भाजपा से अपने आइडिया शेयर करें। क्या बात है, आज हाथ बड़ी तेजी से चल रहे तेरे। आज छोटू को टीका लगाने जाना है और सोच रही हूँ पानी साफ करने का फिल्टर भी ले आए। साफ पानी तो सबको चाहिए। वैसे सुन, कितना अच्छा होता ना अगर सरकार सब्सिडी वाले फिल्टर गांव-गांव बंटवा देती। आइडिया तो बढ़िया है तेरा, चल अभी भाजपा को सुझाव भेजते हैं। अरे तो जा अभी टीका लगवाने, सुझाव तो कल भी दे देंगे। कल नहीं, अभी भेजेंगे हाथों हाथ। समृद्ध एमपी में अपने सुझाव से हर गांव हर परिवार का अगर फायदा होता है तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और शिवराज भैया हैं तो ये विश्वास है कि हमारे सुझाव से सबको फायदा होगा। तो फिर प्रदेश को समृद्ध बनाने में देरी क्यों करना, तो भाजपा को सुझाव का योगदान और फिर करो मतदान। मेरा सुझाव मेरा चुनाव, समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए भाजपा से अपने आइडिया शेयर करें। सर, ये प्लान बनाया है, अगर इस टाउनशिप को हम जंक्शनलेस करते हैं तो ट्रैफिक काफी कम होगा। यानी बिना ट्रैफिक सिग्नल वाली टाउनशिप। गुड प्लान सर। आई वाज जस्ट थिंकिंग अगर ये प्लान एमपी के शहरों में लागू हो जाए तो प्रदेश का कितना फायदा है। लो, भेजो समृद्ध एमपी के लिए। सर, प्रेजेंटेशन के बाद भेजती हूँ ना भाजपा को प्लान। सभी प्रेजेंटेशन तो होते रहेंगे लेकिन अपने प्रदेश के लिए काम करने का मौका कब मिलता है। सर आप सही कह रहे हैं, और शिवराज है तो हमारे प्लान को काफी रिस्पेक्ट भी मिलेगी। तो फिर प्रदेश को समृद्ध बनाने में देरी क्यों करना, दो भाजपा को सुझाव का योगदान और फिर करो मतदान। मेरा सुझाव मेरा चुनाव, समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए भाजपा से अपने आइडिया शेयर करें। गुस्सा आता है मुझे जब मुझे मेरी फसल का पूरा दाम नहीं मिल पाता है। गुस्सा आता है जब मंडी पर बैठा वो बिचौलिया मेरे पैसे खा जाता है। गुस्सा आता है जब कर्ज के बोझ में दबा एक किसान मौत को गले लगाता है। गुस्सा आता है जब मुआवजे के लिए मुझे हाथ फैलाना पड़ जाता है। गुस्सा आता है जब मेरे किसान भाइयों पर कोई गोली चलवाता है। मैं भी मध्य प्रदेश का किसान हूं और अब मुझे भी इस भाजपा सरकार पर गुस्सा आता है। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। गुस्सा आता है जब मासूम बच्चों को हैवानियत से नोचा जाता है। गुस्सा आता है जब आए दिन अखबारों में लुटती आबरू का जिक्र आता है। गुस्सा आता है जब मध्य प्रदेश का नाम महिला अत्याचार में सबसे ऊपर आता है। मैं मध्य प्रदेश की नारी हूं और अब मुझे भी इस भाजपा सरकार पर गुस्सा आता है। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। गुस्सा आता है जब इस महंगी डिग्री के बावजूद मुझे नौकरी के लिए दर दर भटकना पड़ता है। अरे गुस्सा आता है जब स्टार्टअप कॉन्क्लेव, स्वरोजगार योजना और इन्वेस्टर समिट में रोजगार का झूठा वादा किया जाता है। आज भी याद है मुझे, हाथ जोड़कर कर्ज लिया था पापा ने, सोचा था नौकरी करके उनका बोझ हल्का कर दूंगा, पर आज खुद ही बोझ बन गया हूँ। मैं मध्य प्रदेश का युवा हूँ और रोजगार के झूठे वादे करने वाली इस भाजपा सरकार पर अब मुझे गुस्सा आता है। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का।
आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कांग्रेस में आज फिर बीजेपी की शिवराज सरकार पर हमला बोला। कांग्रेस पोल खोल अभियान समिति के अध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने शिवराज सरकार पर आरोप लगाया कि कृषि विभाग में जमकर भ्रष्टाचार है और किसान आत्महत्या कर रहे हैं। कांग्रेस नेता भूपेंद्र गुप्ता ने शिवराज सिंह सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए आरोप लगाया है कि किसानों को अमानक स्तर के बीज, कीटनाशक और खाद वितरण किया जा रहा है। अनुदान ना दिया जाना, भ्रष्टाचार से जुड़े विक्रेताओं पर कार्यवाही ना होने आदि कारणों से किसान की फसल खराब हो जाती है। इस कारण किसान को लागत मूल्य भी नहीं मिल रहा है, वह लगातार कर्ज के तले दबता जा रहा है। सरकार स्वयं चाहती है कि किसान आत्महत्या करते रहें और सरकारी अधिकारी और व्यापारी माल छानते रहे फिरें। प्रदेश की सरकार ने इस बात का एक कमेटी बनाकर सर्वेक्षण भी कराया कि किसान आत्महत्या क्यों करता है। विशेषज्ञों की एक कमेटी ने जो है अपने निष्कर्ष निकाल कर सरकार को दिए। ये जो सुझाव मांगते फिर रहे गली गली और ये जो भव नौटंकी कर रहे हैं, इन्होंने एक बाकायदा सरकारी कमेटी बनाकर किसान क्यों आत्महत्या करता है इसका जो है सोशियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और जो इकोनॉमिकल सर्वेक्षण कराया। उसमें डॉक्टर कौशल जो है जो डायरेक्टर थे कृषि विभाग के, वो उसमें चेयरमैन थे उस कमेटी। उस कमेटी की रिपोर्ट इन्हें सबमिट करे हुए कितना समय हो गया ये आप सब लोग जानते हैं। आज तक मुख्यमंत्री जी ने जनता के द्वारा दिए गए, विशेषज्ञों के द्वारा दिए गए उन सुझावों पर क्या काम किया ये मुख्यमंत्री जी को बताना चाहिए। और ये पोल भी इसलिए खोल रहा हूं कि पहली बार सरकार ने अपने आदेशों में उन सारे कारणों को गिनाया है जिनके कारण एक किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहा है। और न केवल इतना, भारतीय जनता पार्टी के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने मंत्री को पत्र लिखा है कि मंत्री खुद इस तरह के अवैध धंधों में संलिप्तता के साथ ये मध्य प्रदेश में निर्दयता से काम करवा रहा है जिसके कारण किसान मर रहे हैं, किसानों की आर्थिक स्थिति चौपट हो रही और मुख्यमंत्री एक झूठा गुनगुना बचा रहे हैं कि हम खेती को लाभ का धंधा बना के छोड़े। गुप्ता ने कहा कि सरकार ने अधिकारियों को निलंबित कर इतिश्री कर लेती है। सरकार ने इस फर्जीवाड़े को बड़वानी, धार और रतलाम के अधिकारियों के निलंबन आदेश में स्वयं स्वीकार किया है। आदेश में लिखा है कि गरीब किसानों को कृषि अधिकारियों ने फर्जी कोटेशन के आधार पर अनुदान स्वीकृत किया। अनुदान की राशि किसानों के बैंक खाते में जमा नहीं की, मजबूरन किसान को आत्महत्या करनी पड़ रही है। मध्य प्रदेश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी बीएल कांताराव ने रीवा और छतरपुर में अधिकारियों के साथ बैठक की। यूपी से लगी सीमा पर विशेष नजर रखने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर रीवा के कलेक्ट्रेट भवन में मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा बैठक ली गई। मध्य प्रदेश में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव करने के उद्देश्य से लगातार निर्वाचन अधिकारियों के द्वारा योजनाएं बनाई जा रही हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी वीएल कांताराव रीवा पहुंचे तथा कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में चुनाव की तैयारियों का जायजा लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। चुनाव के और इससे हम हर जिले जिले में जाकर के समीक्षा कर रहे हैं जिससे कि हमें ज़्यादातर ज़मीनी जानकारी जो है वो हो सके, उनकी जो समस्याएं अगर उठा रही है काम करना उसका हम निष्पादन करवा सकें या उनको गाइडेंस दे सकें। और इसीलिए पूरी सीओ साहब हैं वहाँ पे, हमारे जो आईजी, हमारे नोडल ऑफिसर हैं, साथ ही हमारे डायरेक्टर एक्सपेंडिचर हैं, क्योंकि हम अब वो देख रहे हैं कि क्या एक्सपेंडिचर, कैंडिडेट्स किस ढंग से काम करेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज किस ढंग से कर रही हैं, एनसीसी का पालन ठीक ठाक हो रहा है या नहीं हो रहा है, जो व्यवस्था बनाई हुई है चुनाव आयोग ने वो व्यवस्था ग्राउंड पे चल रही है या नहीं चल रही से, इन सब पहलुओं की हम लोग जाँच यहाँ पे कर रहे हैं। छतरपुर से हमारे संवाददाता दीपेंद्र गुप्ता ने बताया कि चुनाव निष्पक्ष हो सके इसीलिए निर्वाचन आयोग अब जिलों में भी रिटर्निंग ऑफिसर्स की बैठक ले रहा है। छतरपुर के खजुराहो में मध्य प्रदेश के चुनाव अधिकारी वीएल कांताराव ने बैठक ली। इस बैठक में जिले की 6 विधानसभा सीटों के निर्वाचन अधिकारियों को साफ निर्देश दिए गए कि चुनाव में किसी भी तरह काले धन का उपयोग ना हो सके, इसके लिए हर संभव प्रयास किया जाए। इसके अलावा चुनाव आचार संहिता को पूरी तरह से अमल में लाया जाए। इस बैठक में जिले के कलेक्टर, एसपी के अलावा उपचुनाव अधिकारी, भारत निर्वाचन आयोग सहित प्रदेश के अधिकारी भी शामिल हुए। चुनाव की तैयारियों को लेकर के छतरपुर जिले के जितने भी हमारे 6 असेंबली कंस्टिट्यूशन हैं उनके संबंधित यहां बैठक हुई, जिसमें सभी हमारे
रिटर्निंग ऑफिसर, उसके अलावा हमारे डीओ साहब, फिर हमारे एसपी, फिर हमारे डीआईजी साहब, हमारे साथ सीओ, एमपी और आईजी जो है वो भी आए हुए थे, साथ ही डायरेक्टर एक्सपेंडिचर जो है दिल्ली से, तो देखते हैं कि चुनाव में जो है पैसे का कोई दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है उसके बाद। तो व्यवस्था अभी चल रही है, तैयारी पूरी तरह से की जा रही है और हम लोग इस चीज़ पर पूरी नजर लगाए हुए हैं और यही उम्मीद है कि जनता के सहयोग से ये लोग अच्छे तरीके से चुनाव का पूरा कार्यक्रम जो है संपन्न कर सकते हैं। बैरागढ़ में मोबाइल टावर लगाए जाने का विरोध आम लोग कर रहे हैं, इसके बावजूद स्थानीय रहवासियों की अनदेखी कर टावर लगाए जा रहे हैं, जिस कारण लोगों में काफी रोष है। बीते दिनों टावर को लेकर बैरागढ़ में विरोध प्रदर्शन किया गया था, इसके बाद भी अब एच वार्ड गिदवानी पार्क के पास भी टावर लगाने पहुंचे लोगों से यहां रहने वाले लोगों की बहस हुई। टावर का विरोध होने के बाद भी नगर निगम रहवासी इलाकों में टावर लगाने की परमिशन दे रहा है। टावर लगाने वाली कंपनियां नियमों की अनदेखी कर रहवासी रिहायशी इलाकों में टावर लगाकर आम जन की जान से खिलवाड़ करने पर आमादा है। बैरागढ़ के गिदवानी पार्क स्थित एच वार्ड क्षेत्र में भी एयरटेल कंपनी का टावर लगाया जा रहा था, जिसको लेकर रहवासी और टावर लगाने वाले कर्मचारियों के बीच विवाद की स्थिति बन गई। टावर लगाने वालों को काम रोकना पड़ा। एच ब्लॉक ये रमेश दीनानी की है बिल्डिंग, इस पे अवैध रूप से टावर लगाया जा रहा है जियो, ये अपना एयरटेल कंपनी का, और हम रहवासियों ने इसका विरोध किया है क्योंकि इस टावर लगने से बीमारियां फैलती है, इवन कैंसर तक भी होने की संभावना है। गूगल पे और नेट पे सब जगह यही हमने देखा है, रहवासियों ने ऑब्जेक्शन उठाया है, उसके बाद भी और परमिशन भी नहीं है रमेश दीनानी को यहाँ टावर लगाने का। हमने डेढ़ महीना पहले नगर निगम में महापौर को, बैरागढ़ जेडो को और पुलिस में, अपना कलेक्ट्रेट में रामेश्वर शर्मा जी को सब जगह ज्ञापन दिया हुआ है, और उसके बाद डेढ़ महीने तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो हम समझते थे शायद कैंसिल हो गया है, पर अब दो तीन दिन से ये फिर से टावर वाले आ रहे हैं, जिसका हम पड़ोसियों विरोध कर रहे हैं। इनके पास परमिशन भी नहीं है, परमिशन के बगैर ये लगा रहे हैं, जिस बिल्डिंग पे लगा रहे हैं उस बिल्डिंग की भी परमिशन नहीं है। समय एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। चलो चलो भाई फटाफट, 15 मिनट में तिलहरी पहुंचना है। कितनी बुकिंग्स मिल जाती है? साहब बुकिंग तो बहुत हो जाती है, लेकिन सारा बेनिफिट बाहरी कंपनियां ले जाती हैं। सोच रहा हूँ कि आइडिया भाजपा को दूं कि ऑटो रिक्शा को कस्टमर से जोड़ने वाली ऐप गवर्नमेंट खुद बना दे, ताकि हमारा बेनिफिट हमारी जेब में रहे। रोको रोको, क्या हुआ साहब? ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, अभी के अभी भेजो भाजपा को समृद्ध एमपी के लिए। लेट हो रहा है ना, मैं बाद में कर दूंगा। भाई तुम्हारे इस आइडिया से प्रदेश के ऑटो वालों का फायदा होगा, इससे बड़ा काम क्या हो सकता है? बात तो आप सही कह रहे हैं साहब, शिवराज है तो हमें भरोसा है कि हमारा आइडिया सुना भी जाएगा और पूरा भी किया जाएगा। तो फिर समृद्ध एमपी बनाने में देरी क्यों करना, दो भाजपा को सुझाव का योगदान और फिर करो मतदान। मेरा सुझाव मेरा चुनाव, समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए भाजपा से अपने आइडिया शेयर करें। प्रिय बहनों और भाइयों, मेरी सरकार का लक्ष्य विकास। यार समृद्ध एमपी के लिए एक शानदार आइडिया है मेरे पास। अखबार छपने की डेडलाइन खत्म हो रही है और तुम लोग बैठकर बातें कर रहे हो। बातें नहीं सर, दरअसल मिलिंद अपना आइडिया शेयर कर रहा था समृद्ध एमपी के लिए। गुड, कोई इफेक्टिव आइडिया? हाँ सर, वही बता रहा था, आज का अखबार निकल जाए तो फिर कल शेयर करता हूँ भाजपा से अपना आइडिया। नहीं नहीं, पहले अपना आइडिया शेयर करो, अखबार के लिए तो रोज काम करते हो, आज प्रदेश के लिए काम करो। शिवराज हैं तो भरोसा कर सकते हैं कि हमारे आइडिया से पूरे प्रदेश को बेनिफिट मिलेगा। तो फिर प्रदेश को समृद्ध बनाने में इतनी देरी क्यों करना, दो भाजपा को सुझाव का योगदान और फिर करो मतदान। मेरा सुझाव मेरा चुनाव, समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए भाजपा से अपने आइडिया शेयर करें। इतनी जल्दी में कहाँ जा रहा है? फसल बेचनी है ना, सोच रहा हूँ टाइम से मंडी पहुंच जाऊं। इस बार प्याज बंपर हुए ना? पिछले साल प्याज के दाम आसमान छू गए थे ना, तो इस बार सबने प्याज ही प्याज बोले, तो भाव थोड़ी ना मिलेंगे। अगर बुआई से पहले
सरकार ये बता दे कि कौन से इलाके में कौन कौन सी फसलें बोई जाने वाली हैं, तो किसानों को कितना फायदा होगा। भाजपा को समृद्ध एमपी के लिए यही आइडिया देने वाला हूँ मैं तो। आइडिया अच्छा है तेरा, अभी बेच। तेरे आइडिया से यदि किसान भाइयों का जीवन समृद्ध बनता है तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। और शिवराज है तो इस बात का विश्वास भी है कि हमारा आइडिया न सिर्फ सुना जाएगा बल्कि उस पर अमल भी किया जाएगा। तो प्रदेश को समृद्ध बनाने में देरी क्यों? दो भाजपा को सुझाव का योगदान और फिर करो मतदान। मेरा सुझाव मेरा चुनाव, समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए भाजपा से अपने आइडिया शेयर करें। क्या बात है, आज हाथ बड़ी तेजी से चल रहे तेरे। आज छोटू को टीका लगाने जाना है और सोच रही हूँ पानी साफ करने का फिल्टर भी ले आए। साफ पानी तो सबको चाहिए। वैसे सुन, कितना अच्छा होता ना अगर सरकार सब्सिडी वाले फिल्टर गांव-गांव बंटवा देती। आइडिया तो बढ़िया है तेरा, चल अभी भाजपा को सुझाव भेजते हैं। अरे तू तो जा अभी टीका लगवाने, सुझाव तो कल भी दे देंगे। कल नहीं, अभी भेजेंगे हाथों हाथ। समृद्ध एमपी में अपने सुझाव से हर गांव हर परिवार का अगर फायदा होता है तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और शिवराज भैया हैं तो ये विश्वास है कि हमारे सुझाव से सबको फायदा होगा। तो फिर प्रदेश को समृद्ध बनाने में देरी क्यों करना। तो भाजपा को सुझाव का योगदान और फिर करो मतदान। मेरा सुझाव मेरा चुनाव, समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए भाजपा से अपने आइडिया शेयर करें। सर, ये प्लान बनाया है, अगर इस टाउनशिप को हम जंक्शनलेस करते हैं तो ट्रैफिक काफी कम होगा। यानी बिना ट्रैफिक सिग्नल वाली टाउनशिप। गुड प्लान सर। आई वाज जस्ट थिंकिंग अगर ये प्लान एमपी के शहरों में लागू हो जाए तो प्रदेश का कितना फायदा है। लो, भेजो समृद्ध एमपी के लिए। सर, प्रेजेंटेशन के बाद भेजती हूँ ना भाजपा को प्लान। सभी प्रेजेंटेशन तो होते रहेंगे लेकिन अपने प्रदेश के लिए काम करने का मौका कब मिलता है। सर आप सही कह रहे हैं, और शिवराज जी तो हमारे प्लान को काफी रिस्पेक्ट भी मिलेगी। तो फिर प्रदेश को समृद्ध बनाने में देरी क्यों करना। दो भाजपा को सुझाव का योगदान और फिर करो मतदान। मेरा सुझाव मेरा चुनाव, समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए भाजपा से अपने आइडिया शेयर करें। गुस्सा आता है मुझे जब मुझे मेरी फसल का पूरा दाम नहीं मिल पाता है। गुस्सा आता है जब मंडी पर बैठा वो बिचौलिया मेरे पैसे खा जाता है। गुस्सा आता है जब कर्ज के बोझ में दबा एक किसान मौत को गले लगाता है। गुस्सा आता है जब मुआवजे के लिए मुझे हाथ फैलाना पड़ जाता है। गुस्सा आता है जब मेरे किसान भाइयों पर कोई गोली चलवाता है। मैं भी मध्य प्रदेश का किसान हूं और अब मुझे भी इस भाजपा सरकार पर गुस्सा आता है। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। गुस्सा आता है जब मासूम बच्चों को हैवानियत से नोचा जाता है। गुस्सा आता है जब आए दिन अखबारों में लुटती आबरू का जिक्र आता है। गुस्सा आता है जब मध्य प्रदेश का नाम महिला अत्याचार में सबसे ऊपर आता है। मैं मध्य प्रदेश की नारी हूं और अब मुझे भी इस भाजपा सरकार पर गुस्सा आता है। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। गुस्सा आता है जब इस महंगी डिग्री के बावजूद मुझे नौकरी के लिए दर दर भटकना पड़ता है। अरे गुस्सा आता है जब स्टार्टअप कॉन्क्लेव, स्वरोजगार योजना और इन्वेस्टर समिट में रोजगार का झूठा वादा किया जाता है। आज भी याद है मुझे, हाथ जोड़कर कर्ज लिया था पापा ने, सोचा था नौकरी करके उनका बोझ हल्का कर दूंगा, पर आज खुद ही बोझ बन गया हूँ। मैं मध्य प्रदेश का युवा हूँ और रोजगार के झूठे वादे करने वाली इस भाजपा सरकार पर अब मुझे गुस्सा आता है। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का।
आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बच्चे अपने माता पिता को याद दिलाएंगे कि आपको वोट डालने जाना है। छतरपुर के बड़ा मलहरा में मतदान के लिए प्रेरित करने के मकसद से नगर परिषद ने स्कूली बच्चों को शपथ दिलाई। मुख्य नगर पालिका अधिकारी प्रदीप रिछारिया ने शासकीय बालक उत्कृष्ट विद्यालय पहुंचकर स्कूली छात्रों को अपने माता पिता से मतदान करवाने की शपथ दिलवाई। इसके बाद लोगों को मतदान के लिए प्रेरित जागरूक करने के लिए विद्यालय परिसर से स्कूल के छात्रों के साथ अस्पताल तिराहा तक नारे लगाते हुए रैली भी निकाली। शपथ के दौरान सीएमओ प्रदीप रिछारिया के अलावा नगर परिषद से राम मिलन पांडे, विद्यालय प्राचार्य एसके गुप्ता और आमजन मौजूद थे। छतरपुर जिले के राजनगर में 11वीं क्लास में पढ़ने वाले एक छात्र ने फांसी लगाकर जान दे दी। छात्र ने फांसी क्यों लगाई अभी इस बात का खुलासा नहीं हुआ है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। मृतक अखिलेश पटेल राजनगर के हायर सेकेंडरी स्कूल में 11वीं कक्षा में पढ़ता था। उसकी मौत की खबर से पूरे राजनगर क्षेत्र में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि मृतक अखिलेश पटेल अपने घर में पढ़ाई करता था और सुबह करीब 7 बजे कोचिंग के लिए चला जाता था और 8 बजे वापस आ जाता था, लेकिन कोचिंग से घर ना लौटने के कारण परिवार वालों ने तलाश शुरू की तो पता चला कि अखिलेश कोचिंग गया ही नहीं है। उसका शव उसके कमरे में फंदे पर लटका मिला। आनन फानन में पुलिस को इस बात की सूचना दी गई। अखिलेश ने फांसी क्यों लगाई इसका पता नहीं चल सका। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। हाई सेकेंडरी से और शाम के 7 बजे खाना खा के निकल आया, बैग में अपना बैग भी लेके और साइकिल। तो ये गांव के जो मकान है यहाँ आता था लेटने के लिए, सुबह जे इस कोचिंग के लिए आता था 7 बजे लड़कों के साथ। तो आज ना कोचिंग गया और फिर जो लेट हुआ तो घर वालों ने पता किया कि लेट हुआ, अखिलेश कोचिंग गया कि नहीं। तो लड़कों ने मना कर दिया कि आज तो गया ही नहीं है। तो फिर उसका जो हरिओम भाई है वो देखने आया, तो उसने गांव घर में देखा तो जो फांसी पे लटका हुआ मिला। जो पोस्टमार्टम आया था 19 साल का लड़का है जिसका नाम अखिलेश पटेल था, तो उसको 1 बजे जो थाना राजनगर के आरक्षक लेके आए थे तो उसमें जो पोस्टमार्टम में फाइंडिंग मिली है तो उसमें हैंगिंग का है कि फांसी लगने के कारण उसकी मृत्यु हुई है। और अपने हॉस्पिटल में एक डेढ़ बजे लगभग आया था तो अभी उसका पोस्टमार्टम करके और बॉडी सुपुर्द कर दी। बुंदेलखंड इलाके में अवैध रेत का कारोबार जारी है। बिजावर में अवैध रेत का परिवहन करते हुए एक ट्रैक्टर ट्रॉली को पुलिस ने जब्त किया है। बेखौफ रेत माफिया बुंदेलखंड में रेत खनन के काम में लगा है। पिपर थाना पुलिस ने एक ट्रैक्टर को अवैध रेत का परिवहन करते हुए जब्त किया है। थाना प्रभारी जसवंत सिंह ने बताया कि उन्हें मुखबिर से सूचना मिली थी कि नाले पर एक ट्रैक्टर रेत भर रहा है। मौके पर पहुंचे पुलिस बल ने ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर लिया और खनिज विभाग के साथ मिलकर कार्रवाई की। 26 तारीख को मुखर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि जसगोवा के गांव के आसपास नाले के आसपास कुछ ट्रैक्टर अवैध परिवहन करते हुए जा रहे हैं। सूचना पर थाना पेपर से बल गया था। बल के द्वारा एक महिंद्रा ट्रैक्टर जो कि अहरवार का बताया जा रहा है को पकड़कर जब्त की कार्रवाई की गई है, जो कि अवैध बालू का परिवहन कर रहा था। इसको अग्रिम कार्रवाई के लिए मायने विभाग को भेजा जा रहा है। सपाक्स पार्टी ने एट्रोसिटी एक्ट के विरोध में एक बार फिर व्यापम चौराहे पर धरना किया। पार्टी ने दोहराया कि कोर्ट के दिशा निर्देशों को ना मानकर मनमाने तरीके से सभी दलों के सांसद द्वारा एक्ट में जो संशोधन किया है वह पूरी तरह गलत है और इसके दुष्परिणाम भी आने शुरू हो गए हैं। सापाक्स ने कहा कि यह एक ऐसा काला कानून है जो देश को बांटने का काम कर रहा है। एट्रोसिटी एक्ट का दुरुपयोग पहले से ही होता रहा है। हाल ही में विदिशा में एक स्वर्ण जाति के व्यक्ति ने SC ST एक्ट से बचने के लिए खुदकुशी कर ली। सापाक्स की मांग है कि एट्रोसिटी एक्ट को वापस लेने के लिए संसद का सत्र बुलाया जाए और एक्ट को वापस लिया जाए। सापाक्स ने चेतावनी देते हुए ये भी कहा कि अगर यह कानून वापस नहीं लिया गया तो सापाक्स उग्र आंदोलन करेगी। एट्रोसिटी एक्ट के विरोध में 24 तारीख सर
सपाक्स का निरंतर आंदोलन चरणबद्ध प्रारंभ हुआ, जिसमें कि हमने बाइक रैली निकाल कर राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन दिया। उसके पश्चात हमने नुक्कड़ नाटक किया। आज संयोगवश करवा चौथ के दिन उपवास हमने निश्चित किया था और संयोग से आज करवा चौथ का भी दिन है, तो हमारे साथ माताएं बहनें महिलाओं ने भी करवा चौथ का व्रत रखा हुआ है, साथ में हम पुरुष वर्ग भी करवा चौथ के दिन व्रत रखे हुए हैं। लेकिन हम लोगों का व्रत जो है सरकार की सद्बुद्धि के लिए है और लोकसभा में विशेष सत्र बुलाकर इस काले कानून को वापस जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने लागू किया था उस प्रकार लागू किया जाए, इन मांगों को लेकर शाम 6 बजे तक हम लोग यहाँ पर व्रत रखेंगे और उपवास पर बैठेंगे। सपाक्स की यह मांग है कि पदोन्नति में आरक्षण समाप्त किया जाए और आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाए। एट्रोसिटी एक्ट के विरोध और आरक्षण आर्थिक आधार पर करने जैसी मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना देकर क्रमिक भूख हड़ताल की गई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज, दखल आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। चलो चलो भाई फटाफट, 15 मिनट में तिलहरी पहुंचना है। कितनी बुकिंग्स मिल जाती है? साहब बुकिंग तो बहुत हो जाती है, लेकिन सारा बेनिफिट बाहरी कंपनियां ले जाती हैं। सोच रहा हूँ कि आइडिया भाजपा को दो कि ऑटो रिक्शा को कस्टमर से जोड़ने वाली ऐप गवर्नमेंट खुद बना दे, ताकि हमारा बेनिफिट हमारी जेब में रहे। रोको रोको, क्या हुआ साहब? ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, अभी के अभी भेजो भाजपा को समृद्ध एमपी के लिए। लेट हो रहा है ना, मैं बाद में कर दूंगा। भाई तुम्हारी इस आइडिया से प्रदेश के ऑटो वालों का फायदा होगा, इससे बड़ा काम क्या हो सकता है। बात तो आप सही कह रहे हैं साहब, शिवराज है तो हमें भरोसा है कि हमारा आइडिया सुना भी जाएगा और पूरा भी किया जाएगा। तो फिर समृद्ध एमपी बनाने में देरी क्यों करना, दो भाजपा को सुझाव का योगदान और फिर करो मतदान। मेरा सुझाव मेरा चुनाव, समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए भाजपा से अपने आइडिया शेयर करें। प्रिय बहनों और भाइयों, मेरी सरकार का लक्ष्य विकास। यार समृद्ध एमपी के लिए एक शानदार आइडिया है मेरे पास। अखबार छपने की डेडलाइन खत्म हो रही है और तुम लोग बैठकर बातें कर रहे हो। बातें नहीं सर, दरअसल मिलिंद अपना आइडिया शेयर कर रहा था समृद्ध एमपी के लिए। गुड, कोई इफेक्टिव आइडिया? हाँ सर, वही बता रहा था, आज का अखबार निकल जाए तो फिर कल शेयर करता हूँ भाजपा से अपना आइडिया। नहीं नहीं, पहले अपना आइडिया शेयर करो, अखबार के लिए तो रोज काम करते हो, आज प्रदेश के लिए काम करो। शिवराज हैं तो भरोसा कर सकते हैं कि हमारे आइडिया से पूरे प्रदेश को बेनिफिट मिलेगा। तो फिर प्रदेश को समृद्ध बनाने में इतनी देरी क्यों करना, दो भाजपा को सुझाव का योगदान और फिर करो मतदान। मेरा सुझाव मेरा चुनाव, समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए भाजपा से अपने आइडिया शेयर करें। इतनी जल्दी में कहाँ जा रहा है? फसल बेचनी है ना, सोच रहा हूँ टाइम से मंडी पहुँच जाऊँ। इस बार प्याज बम्पर हुए ना? पिछले साल प्याज के दाम आसमान छू गए थे ना, तो इस बार सबने प्याज ही प्याज बोले, तो भाव थोड़ी ना मिलेंगे। अगर बुआई से पहले सरकार ये बता दे कि कौन से इलाके में कौन कौन सी फसलें बोई जाने वाली हैं, तो किसानों को कितना फायदा होगा। भाजपा को समृद्ध एमपी के लिए यही आइडिया देने वालों में। आइडिया अच्छा है तेरा, अभी बेच। तेरे आइडिया से यदि किसान भाइयों का जीवन समृद्ध बनता है तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। और शिवराज है तो इस बात का विश्वास भी है कि हमारा आइडिया न सिर्फ सुना जाएगा बल्कि उस पर अमल भी किया जाएगा। तो प्रदेश को समृद्ध बनाने में देरी क्यों, दो भाजपा को सुझाव का योगदान और फिर करो मतदान। मेरा सुझाव मेरा चुनाव, समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए भाजपा से अपने आइडिया शेयर करें। क्या बात है, आज हाथ बड़ी तेजी से चल रहे तेरे। आज छोटू को टीका लगाने जाना है और सोच रही हूँ पानी साफ करने का फिल्टर भी ले आए। साफ पानी तो सबको चाहिए। वैसे सुन, कितना अच्छा होता ना अगर सरकार सब्सिडी वाले फिल्टर गांव-गांव बंटवा देती। आइडिया तो बढ़िया है तेरा, चल अभी भाजपा को सुझाव भेजते हैं। अरे तू जा अभी टीका लगवाने, सुझाव तो कल भी दे देंगे। कल नहीं, अभी भेजेंगे हाथों हाथ। समृद्ध एमपी में अपने सुझाव से हर गांव हर परिवार का अगर फायदा होता है तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और शिवराज भैया हैं तो ये विश्वास है कि हमारे सुझाव से सबको फायदा होगा। तो फिर प्रदेश को समृद्ध बनाने में देरी क्यों करना,
तो भाजपा को सुझाव का योगदान और फिर करो मतदान। मेरा सुझाव मेरा चुनाव, समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए भाजपा से अपने आइडिया शेयर करें। सर, ये प्लान बनाया है, अगर इस टाउनशिप को हम जंक्शनलेस करते हैं तो ट्रैफिक काफी कम होगा, यानी बिना ट्रैफिक सिग्नल वाली टाउनशिप। गुड प्लान सर। आई वाज जस्ट थिंकिंग, अगर ये प्लान एमपी के शहरों में लागू हो जाए तो प्रदेश का कितना फायदा है। लो, भेजो समृद्ध एमपी के लिए। सर, प्रेजेंटेशन के बाद भेजते हो ना भाजपा को प्लान। सभी प्रेजेंटेशन तो होते रहेंगे, लेकिन अपने प्रदेश के लिए काम करने का मौका कब मिलता है। सर आप सही कह रहे हैं, और शिवराज है तो हमारे प्लान को काफी रिस्पेक्ट भी मिलेगी। तो फिर प्रदेश को समृद्ध बनाने में देरी क्यों करना। दो भाजपा को सुझाव का योगदान और फिर करो मतदान। मेरा सुझाव मेरा चुनाव, समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए भाजपा से अपने आइडिया शेयर करें। गुस्सा आता है मुझे जब मुझे मेरी फसल का पूरा दाम नहीं मिल पाता है। गुस्सा आता है जब मंडी पर बैठा वो बिचौलिया मेरे पैसे खा जाता है। गुस्सा आता है जब कर्ज के बोझ में दबा एक किसान मौत को गले लगाता है। गुस्सा आता है जब मुआवजे के लिए मुझे हाथ फैलाना पड़ जाता है। गुस्सा आता है जब मेरे किसान भाइयों पर कोई गोली चलवाता है। मैं भी मध्य प्रदेश का किसान हूं और अब मुझे भी इस भाजपा सरकार पर गुस्सा आता है। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। गुस्सा आता है जब मासूम बच्चों को हैवानियत से नोचा जाता है। गुस्सा आता है जब आए दिन अखबारों में लुटती आबरू का जिक्र आता है। गुस्सा आता है जब मध्य प्रदेश का नाम महिला अत्याचार में सबसे ऊपर आता है। मैं मध्य प्रदेश की नारी हूं और अब मुझे भी इस भाजपा सरकार पर गुस्सा आता है। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। गुस्सा आता है जब इस महंगी डिग्री के बावजूद मुझे नौकरी के लिए दर दर भटकना पड़ता है। अरे गुस्सा आता है जब स्टार्टअप कॉन्क्लेव, स्वरोजगार योजना और इन्वेस्टर समिट में रोजगार का झूठा वादा किया जाता है। आज भी याद है मुझे, हाथ जोड़कर कर्ज लिया था पापा ने, सोचा था नौकरी करके उनका बोझ हल्का कर दूंगा, पर आज खुद ही बोझ बन गया हूँ। मैं मध्य प्रदेश का युवा हूँ और रोजगार के झूठे वादे करने वाली इस भाजपा सरकार पर अब मुझे गुस्सा आता है। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। देख रहे हैं दखल न्यूज़।